फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने जल स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया है। उस पखवाड़े के तहत शिव घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया और उस नदी की साफ सफाई अभियान में आरएसएस के कार्यकर्ता जुटे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के तहत रमणी स्थल शिवघाट पर जल स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिवघाट की साफ सफाई की गई और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए श्रमदान किया गया। शिवघाट पर जल स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ आरएसएस के जिला सह कार्यवाहक मदन लाल पाटीदार, मंदसौर विभाग पर्यावरण संयोजक यशवंत यादव, कपिल गोयल, देवेंद्र प्रजापति ने पूजा अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने शिवघाट पर साफ सफाई की और जल को प्रदूषित होने से बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रहलाद राय गर्ग, जितेंद्र सोनी, मनोज वर्मा, संजय गोयल, नीलेश पाटीदार, संदीप यादव, दयाराम ग्वाला, बालकिशन दीवान, भरत कोठारी, नीलेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता उपस्थित थे।